अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। सुबह का वक्त था, नाश्ता हो रहा था। यहाँ हाफ फ्राई बना है एक और फुल फ्राई बना है, लेकिन मैंने खाया था ब्रेड और बटर। मेरा मूड नहीं था एग खाने का। जी मैं इसी तरह खाती हूँ ब्रेड, उसकी किनारी जो निकाल कर खाती हूँ, मुझे ऐसे ही पसंद है बचपन से। यहाँ मेरा बेटा सो रहा था, मोहम्मद हुसैन, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग उसके लिए दुआ कीजिएगा। यहाँ मेरी बेटी भी सो रही थी, उसे उठा रहे थे नाश्ते के लिए, मेरे बेटे के सिर में चोट लगी है तो इस वजह से वो सो रहा था। यहाँ मेरी बेटी जा रही है ट्यूशन, माशाल्लाह माशाल्लाह कह दें जी। उसके बाद मैंने चटनी बनाई थी इमली की, इसके अंदर मैंने इमली डाली, चीनी डाली, कुटी लाल मिर्च डाली, नमक डाला और ज़ीरा डाला। इसे अच्छी तरह पकना दें, जब ये गाढ़ी हो जाए तो इसे छान के फ्रिज में रख लें। लेकिन मैंने इसे छाना नहीं था, गुठलियों समेत रख लिया था। मैंने सोचा था जब मैं यूज़ करूँगी तो फिर मैं गुठलियाँ निकाल लूँगी। उसके साथ मैंने ये ग्रीन चिली और पुदीने का पेस्ट है, ये रायता बनाने के लिए काम में आता है, तो मैंने इस ये भी पीस लिया था। जैसे ही मुझे रायता बनाना होगा तो मैं 1 टेबल स्पून इसमें से लूँगी और दही में डाल दूँगी। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना के रखा है मेरा, ताकि मुझे ईजी रहे। ये मैं अदरक लहसुन का पेस्ट पीस रही हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने पानी ऐड नहीं करा वरना ये ख़राब हो जाएगा। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने पीस लिया था। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी तीनों, ये मेरे अच्छे खासे दिन निकल जाएंगे इसमें आराम से। और यहाँ रूफ़ की बोतल दिखा रही हूँ, जामे शीरी की, सबके घर में आ गई होगी जामे शीरी की बोतल। ये तो रमज़ानों की सौगात है। देखिए इतना मैंने लिया था अदरक लहसुन। रात पर हमने पास्ता खा लिया था, बहुत मज़े का था। उसके बाद मैंने मीठे में दिल कर रहा था, क्रेविंग हो रही थी मीठा खाने की, तो हमने बना लिया था जी पुडिंग। रफान की पुडिंग बनाती हूँ, रेसिपीज मेरी वीडियोस में ही आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। रमज़ान मुबारक।